हेलो चिल्ड्रेन, आज इस वीडियो में हम लोग कहानी लेखन पढ़ेंगे। पहले आप ये जानिए कि कहानी लेखन किसे कहते हैं। बच्चों, तुमने दादा दादी या नाना नानी से कई रोचक कहानी सुनी होगी। कहानी या तो किसी घटना का वर्णन होती है या अपने करते बातें। कहानी लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, भाषा सरल होना चाहिए और कहानी से कुछ ऐसी कहानी होनी चाहिए जिससे कुछ ना कुछ सीख आपको अवश्य मिले। आइए अब हम लोग कहानी पढ़ते हैं। इस कहानी का नाम है भलाई का बदला। नदी किनारे पेड़ पर बैठी चिड़िया ने देखा कि एक चींटी नदी की तेज बही जा रही है। चिड़िया ने एक पत्ता उसके आगे गिरा दिया। थोड़ी देर के प्रयत्न के बाद चींटी उस पत्ते पर चढ़ने में सफल हो गई। तब चिड़िया ने चोंच से पत्ता उठाकर जमीन पर गिरा दिया। चींटी ने मन ही मन चिड़िया को धन्यवाद कहा। एक दिन एक शिकारी उस पेड़ के नीचे आया, वह पर बैठी थी। उसने शिकारी को चिड़िया पर अपना निशाना साधा। चींटी ने यह देख लिया, वह तेजी से शिकारी की ओर और उसके पेड़ पर और उसके पैर पर चढ़कर जोर से काट लिया। शिकारी दर्द से छटपटा गया, उसका निशाना चूक गया और चिड़िया फुर से उड़ गई। इस तरह चींटी जाकर उपकार का बदला चुका दिया। इसलिए कहा गया है कि कर भला। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिली, कर भला तो हो भला। जैसा कि इस कहानी में चींटी ने चिड़िया की मदद की, उसी तरह से फिर बाद में चींटी ने चिड़िया की मदद की। तो अगर हम भलाई करेंगे तो हमें भी उसके बदले में भलाई मिलेगी। तो बच्चों, आप लोगों ने इस कहानी को पढ़कर इसका आनंद लिया होगा। आप लोग इसी तरह से अपनी कोई भी एक कहानी अपने मन से सोच के लिखिएगा। धन्यवाद।